दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ सीरीज पे स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, कृषि विभाग की ओर से आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि एक किसान है और किसान संबंधी योजनाओं के लिए आवेदन करते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप किसान संबंधी किसी भी प्रकार का कोई योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको कृषि विभाग की ओर से जारी किया गया यह महत्वपूर्ण संदेश के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आखिर कृषि विभाग की ओर से जारी किया गया मैसेज में आप लोगों को क्या बताया जा रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स, जब भी आप कृषि विभाग का ऑफिशियल साइट dvtagriculture.bihar.gov.in को लॉगिन करेंगे, तो फ्रेंड्स आपका साइट ओपन होने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना शो किया जाता है, महत्वपूर्ण संदेश शो किया जाता है। अब फ्रेंड्स, इस संदेश के माध्यम से कृषि विभाग की ओर से आप सभी के लिए दो गाइडलाइंस जारी किया गया है, जहां पे फ्रेंड्स बताया जा रहा है। पहले गाइडलाइंस में किसान भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग के द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान आपके आधार संख्या के माध्यम से आधार लिंक खाते में सीधे अंतरित किया जाता है। मतलब फ्रेंड्स, आप कृषि विभाग का ऑफिशियल साइट यानी dvtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से जिस चीज का भी आवेदन करते हैं, जैसे डीजल अनुदान या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी योजना के लिए आवेदन करते हैं, सभी का फ्रेंड जो पैसा या फिर सब्सिडी या फिर अनुदान की राशि का भुगतान आपके उसी बैंक अकाउंट में किया जाता है, जो भी बैंक अकाउंट आपके आधार NPCI यानी DVT से लिंक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जब भी किसान रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर किसान संबंधी किसी भी प्रकार का कोई योजना के लिए आवेदन करें, तो आप लोग वही बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा जो बैंक अकाउंट नंबर आपका आधार से लिंक है। और यदि आपके पास एक साइबर कैफे है और आप किसानों का ऑनलाइन आवेदन करने का काम करते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी जब भी कोई किसान का आवेदन करेंगे तो उनसे जरूर आप पूछ लीजिएगा कि उनका आधार लिंक बैंक खाता कौन है। ऐसे में फ्रेंड्स, यदि उनको भी पता नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग उनसे एक सिंपल सवाल कर सकते हैं कि आपका सब्सिडी या फिर अनुदान का कोई भी राशि या फिर सरकारी किसी भी योजना का कोई भी पैसा आपके किस बैंक अकाउंट में आया है, जैसे गैस सब्सिडी या फिर किसी और भी प्रकार का कोई सब्सिडी का रकम उनके जिस भी बैंक खाता में आया होगा, फ्रेंड्स वही बैंक खाता उनका आधार DVT NPCI से लिंक होता है। आपको वही बैंक अकाउंट डिटेल किसी भी प्रकार का कोई भी योजना का फॉर्म फिलअप करने वक्त डालना है। इससे फ्रेंड्स ये होगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन का अनुदान का रकम नहीं रुकेगा और आप लोग सभी प्रकार के अनुदान का राशि आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कृषि विभाग की ओर से दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया गया है, दूसरा नोटिस भी जारी किया गया है और यहाँ पे बताया गया है और इसके अनुसार बताया जा रहा है कि कृषि विभाग की ओर से कभी भी आपको कोई कॉल या फिर कोई फोन कॉल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी योजना या फिर किसी भी सब्सिडी या फिर किसी भी बैंक खाता संबंधी कोई भी जानकारी यदि मांगा जा रहा है, तो फ्रेंड्स आपको उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, कृषि विभाग आपको कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या फिर किसी भी प्रकार का कोई पूछताछ के लिए कोई भी कॉल नहीं करती है। और फ्रेंड्स, यदि आप कोई जानकारी किसी के साथ भी शेयर करते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में आप धोखेधड़ी का शिकार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कृषि विभाग का ऑफिशियल साइट लॉगिन करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको सर्वप्रथम आपको यही महत्वपूर्ण संदेश के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ कट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसीड टू होम पेज पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल साइट में लॉगिन कर सकते हैं और किसान संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भी योजना का आवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या फिर शिकायत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वरना हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।